गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गए स्टडी फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन के यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति के टॉपिक विभिन्न पर्यावरण का आपसी ताना बाना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कल हम जैविक पर्यावरण एवं भौतिक जैविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के आपसी ताना बाना के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज हम विभिन्न पर्यावरण का आपसी ताना बाना के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण है, पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बना हुआ है। जिसके अंतर्गत वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नमी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकिरण, रेडिएशन एवं अन्य पदार्थ शामिल हैं। मानव निरंतर इनके संपर्क में रहता है, इसलिए उसके स्वास्थ्य पर ये सभी भौतिक पदार्थ सीधे प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नमी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकिरण, रेडिएशन एवं अन्य पदार्थ सम्मिलित हैं। मानव निरंतर इसके संपर्क में रहता है, इसीलिए उसके स्वास्थ्य पर वह सीधा प्रभाव डालता है। जैविक पर्यावरण मानव का दूसरा संपर्क है में रखने वाला अवयव यहाँ तक एक मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। जीव जंतु एवं वनस्पति इस घटक के प्रमुख भाग हैं। जैविक पर्यावरण के समस्त जानकारी बीमारियों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जैविक पर्यावरण मानव को दूसरा संपर्क में रखने वाला अवयव है, यहाँ तक कि एक मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ इस घटक के प्रमुख सहयोगी हैं। जैविक पर्यावरण की समुचित जानकारी बीमारियों के निवारण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण भी तीसरा पर्यावरण का अवयव है, जो मानव के सामाजिक संबंधों में प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण तीसरा पर्यावरण का अवयव है, जो मानव के सामाजिक संबंधों में प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव के व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे परिवार में माता पिता तथा भाई बहन से संबंध बनाए रखना पड़ता है। साथ ही उसे समाज के अन्य पास पड़ोस, समुदाय, प्रदेश एवं राष्ट्र से भी संबंध बनाए रखना पड़ता है। ये सभी सामाजिक पर्यावरण की परिधि में आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, आदतें, विश्वास, धैर्य, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन मानक एवं राजनीतिक स्थितियाँ आदि सभी मानव पर्यावरण के स्रोत हैं। मानव सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का उत्पादक है। मानव सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का स्रोत है, जिसके द्वारा मानव आकार तैयार होता है। रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलचाल, सामाजिक मान्यताएं मानव व्यक्तित्व का ढांचा तैयार करते हैं, जिसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। वही परिभाषाएं एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि पर्यावरण एक अनेक तत्वों का समूह, उनका ताना बाना है, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक परिस्थितियां आती हैं, जो मानव को चारों ओर घेरे रहकर प्रभावित करती है। उपरोक्त परिभाषाओं एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि पर्यावरण अनेक तत्वों का समूह, उनका ताना बाना है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक
परिस्थितियां आती है जो मानव को चारों ओर घेरे रहती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं, परिस्थितियां, जीवों एवं पदार्थों से है जिससे मानव सतत अंतःक्रिया करता है। नमस्ते।